हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद दीप्ति मैम। बच्चों, मैं हूं अरुण सिंह। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 6 के बारे में, और जिसका टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं पठारों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, मैदानों के बारे में, और हम इनकी कुछ जो मूल टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में इस चैप्टर में हमें बात करने का मौका मिलेगा। पहाड़ी, देखो इस बॉक्स को सबसे पहले देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। देखो, पहाड़ी कौन सी है जो आपकी आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है, लेकिन अगर वही पहाड़ी 600 मीटर से भी अधिक ऊंचाई हो जाए और उसकी जो ढलाने हों वो खड़ी हों, तो वो क्या, उसको क्या कह दिया जाता है? उसको आपका पर्वत कह दिया जाता है। तो चलिए आगे बातें करते हैं। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे और कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति होती रहती है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। पृथ्वी प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धस जाती है। तो देखो, आपका ये जो डायग्राम है इसमें अलग अलग चीजें दिखाई गई हैं। तो पर्वत आपका दिखाया, पर्वत क्या है? आपकी खड़ी ढलान वाला क्षेत्र है जो 600 मीटर से ऊंचा है। ऐसा पहाड़ी क्षेत्र जो आसपास की भूमि से 600 मीटर से ऊंचा हो वो क्या कहलाएगा? पर्वत है। पठार क्या है? वो सामान्य भूमि से, आसपास की भूमि से ऊंचा तो उठा ही हो, लेकिन जो उसका ऊपरी भाग है वो कैसा हो, वो समतल हो, वो क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा। पर्वतों की जो श्रृंखला है, एक बिल्कुल एक श्रेणी है, एक के पीछे एक जो लगे रहते हैं उसी को क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और पहाड़ी, पहाड़ी के बारे में हम देख चुके हैं। सहायक नदी, जब कोई नदी के अंदर दूसरी नदी गिर जाती है, तो मान लीजिए आपकी गंगा और यमुना की बात करें तो दोनों ही बड़ी बड़ी नदियां हैं, लेकिन जब बात करते हैं गंगा की तो देखा, ये सहायक नदी ये नहीं देखा जाता कि बड़ी है या छोटी, ये देखा जाता है कि कौन उसके ऊपर गिर रही है, कौन अधिक ऊंचाई से आ रही है। तो जब गंगा की बात, जब बह रही होती है, जब गंगा से यमुना मिलती है, तो यमुना उस वक्त ऊंचाई से गिरती है, तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, सहायक नदी गंगा की कौन सी है? आपकी यमुना है। तो ये सहायक नदी हो गई। मैदानी भाग, तो आपकी जो ये पानी की नदियां हैं ये ऊपर से पहाड़ों को काटते हुए, चट्टानों को काटते हुए आपका उनका अपरदन करती हैं। अपरदन से यहाँ पे क्या होता है? निक्षेपण। निक्षेपण मतलब जो काट काट के जहाँ मिट्टी लेकर आ रही है उसको यहाँ पर इकट्ठा कर देती हैं, उसको क्या बोलते हैं? निक्षेपण। तो निक्षेपण से वो धीरे धीरे मैदानों का निर्माण होता है। और नदी जब पानी बीच में इकट्ठा हो जाता है तो झीलों का निर्माण करती हैं। जब आखिरी समय में वो समुद्र में गिर रही होती है तो वो डेल्टा बना लेती हैं। तो प्रायद्वीप स्थल संधि क्या है? दो स्थल, बड़े स्थलों को आपस में जोड़ने वाला जो छोटा सा स्थल स्वरूप होता है उसको हम स्थल संधि बोलते हैं। लेकिन जब दो पानी के समूह को, कोई पानी का बहुत बड़ा कोई स्रोत है, जैसे कि यहाँ का क्षेत्र है और फिर इस साइड का क्षेत्र है, इसको बीच में से जो जोड़ रही है, तो ये क्या कहलाएगी? जल संधि। द्वीप क्या है? आपका चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाएगा। प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप जो तीन तरफ से आपका घिरा हो वो क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाता है, है ना? तो इस प्रकार छोटी छोटी बहुत सारे शब्द हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं। दूसरी या बहा प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहा जाता है? अपरदन। और अपरदन के बाद क्या होता है? निक्षेपण। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। और इसके बारे में हमने जब अभी बात करी उस डायग्राम के बारे में, उस चित्र के बारे में, तो हम क्या ने देखा था
कि पहाड़ों से जो नदियां हैं उनको काट काट कर नीचे लेके आती हैं और फिर धीरे 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 जो उनका अपरदन करती हैं, उस अपरदन से जो मिट्टी बनती है उसको निक्षेपित करती हैं और मैदानों का निर्माण कर देती हैं। तो ये अपरदन और निक्षेपण एक प्रक्रिया है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पर्वतों की बात करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां क्या कहलाती हैं? हिमानी कहलाती हैं। विशेष तौर पर याद रखिएगा, यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। ऐसा कौन सा पर्वत है? देखो, आपके मोनाकी पर्वत है। आपका जो माउंट एवरेस्ट है वो कितना ऊंचा है? वो आपका 8,800 मीटर के लगभग है, 8,848 मीटर है ना। लेकिन जब मोनाकी पर्वत की बात करोगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो करीबन 10 किलोमीटर यानी 10,000 मीटर से भी ऊंचा है। तो फिर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ क्यों माना जाता है? क्योंकि वो कहाँ पे है? वो आपके समुद्र के अंदर है। वो आपके कहाँ पे है? समुद्र के भीतर है। तो समुद्र के भीतर हम सामान्य तौर पर ऊंचाई देखते हैं समुद्र तल से। तो समुद्र तल से ऊंचाई पे बात करें तो हाँ, माउंट एवरेस्ट है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ऊंचा, निम्न में से सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है और सबसे हाइट सबसे सर्वाधिक किसकी है, ऐसा कोई क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए और उसमें आपके दोनों ऑप्शन आ जाएं, तो वहाँ आपका जवाब माउंट एवरेस्ट जो होगा वो सही नहीं होगा। वहाँ पे आपका मोनाकी पर्वत सही होगा, है ना। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो आपका मोनाकी है, सबसे ज्यादा हाइट जिसकी है, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचाई पे स्थित पर्वत कौन सा है? तो वो आपका माउंट एवरेस्ट है, जो कि जिसकी चोटी क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई पे किसकी चोटी है, वो आपकी माउंट एवरेस्ट की है। तो ये बात आपको थोड़ा क्वेश्चंस को जब भी आप क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी ये दोनों ऑप्शन अगर आप देखें तो सतर्क हो जाएं और विशेष तौर पे जो आपका क्वेश्चन है उसको ढंग से पढ़ें जरूर। चलिए आगे देखते हैं। तो हिमानी के बारे में बात कर रहे थे, तो हिमानी के बारे में बात कर रहे थे, समुद्र के अंदर जो पहाड़ों के बारे में बात कर रहे थे। तो हिमानी है, हिमानी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। ये बहुत सारी नदियों का स्रोत भी है ना, ये बहुत सारी नदियों का स्रोत है, तो इसलिए भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा, जो समुद्र के अंदर हमने किसकी बात की? मोनाकी की बात की, जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। देखो ये क्या बात है, पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग होते हैं, वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। क्यों? क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्रों की विशेषता है। कृषि योग्य भूमि की कमी होगी ऐसी स्थिति में। तो पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, श्रृंखला, यानी पर्वतों की जो श्रृंखला है यानी पर्वत श्रृंखला है वो क्या है, एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। देखो ये आपने जब बात की हिमालय की बात की थी तो हम अच्छे से जानते हैं हिमालय हमारा क्या है, एक वलित पर्वत है। एक क्या है, वलित पर्वत है। ये हिमालय का ही आपको फोटो दे रखी है यहाँ पर। तो ये जो हिमालय वलित पर्वत क्या है, अब हम जब बात कर रहे हैं, बात की होगी हमने कभी, आपने अगर ज्योग्राफी पहले पढ़ी है तो जब दो चट्टाने आपकी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब टकराई थी तो उनके टकराहट की वजह से ये इस वलय का निर्माण हुआ, इस वलय पर्वत का निर्माण हुआ जिसको हम क्या कहते हैं, नवीन वलित पर्वत या हिमालय कहा जाता है। और ये कैसे पैदा हुआ, देखो मान लीजिए आपके पास एक सिंपल पेज है ये, और आप इधर से भी फोर्स लगाइए और आप इधर से भी फोर्स लगाइए, तो क्या होगा, ये जो पन्ना होगा ये कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगा। ये जो है ये ही क्या है, ये आपकी वलय है, इसी को क्या बोलते हैं, वलय। और इसी प्रकार धरातल में भी ये घटना देखने को मिलती है और ऐसे भी पर्वतों का निर्माण होता है, और उसी का एक एग्जाम्पल है आपका हिमालय पर्वत।
अरावली पर्वत की बात करें तो ये आपका बहुत पुराना पर्वत है ना। ये भी आपका वलय पर्वत है, वलित पर्वत है ना, वलित पर्वत का एक एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने बात की थी मोनाकी पर्वत की, तो देखो मोनाकी पर्वत के बारे में यह बताया गया है कि प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत, जो कि हवाई द्वीप की सागर की सतह के नीचे स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है ना, जो एवरेस्ट शिखर से भी क्या है, अधिक है। अच्छा, बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्पस तथा एंडीज क्रमशः एशिया में, आपका हिमालय कहाँ है, एशिया में है ना, यूरोप, आल्पस जो पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पे है, यूरोप में है, और आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो आपके दक्षिण अमेरिका में है ना। ये आपको पता होगा निश्चित रूप से, और अगर नहीं पता है तो इसको निश्चित रूप से आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। पर्वत के जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो वलित पर्वत, जिसके बारे में हमने अभी बात की, जिसका एक एग्जाम्पल भी क्या दिया हमने, हिमालय के बारे में बात की। फिर आता है भ्रसौंथ पर्वत। भ्रसौंथ पर्वत क्या होता है, इसको अभी एक एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी फटेगा, और ज्वालामुखी फटेगा तो वहां से लावा निकलेगा, और लावा जब ठंडा हो जाएगा तो सामान्य तौर पर ये क्या कर देता है, एक पर्वत का निर्माण सामान्य तौर पर कर देता है। तो ऐसे जो पर्वत हैं वो ज्वालामुखी पर्वत के तौर पर जाने जाते हैं। वलित पर्वत के बारे में हमने अभी बात करी, तो हिमालय तथा आल्पस ये कैसे हैं, ये वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंखवाकार है। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला जो है आपकी विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यह आपकी स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा है ना। आपका जो भारत की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो आपके राजस्थान क्षेत्र में पड़ती है मुख्य तौर पे, वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। और आप देखते होंगे, अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो आप ये भी देखते होंगे कि यहाँ पे क्या है, ये पर्वत बहुत ज्यादा छोटा हो दिखाई देने लगा है। हिमालय तो बहुत बड़ा है, फिर ये बहुत छोटा है, क्यों, क्योंकि धीरे 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 इनका अपरदन होता जाता है और ये घिस जाती है। तो आगे देखते हैं, अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अप्लेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। लेकिन सबसे पुराना कौन सा है, याद रखिएगा, ये सबसे पुराना आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है ना। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, भ्रसौंथ पर्वत कैसे निर्मित होते हैं उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ के आपके एक सीधा धरातल था। अब सीधा धरातल में कुछ धरातल नीचे धंस गया और कुछ ऊपर उठ गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, कुछ भाग, जैसे ये जो भाग है, ये जो भाग है आपका, ये ऊपर उठ गया, ये ऊपर उठ गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ये उत्खंड भ्रंश कहलाता है, और ये जो नीचे रह गया ये क्या कहलाएगा, आपका द्रोणिका भ्रंश कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति में कुछ हिस्सा ऊपर उठ गया और कुछ हिस्सा नीचे रह गया आपके सामान्य धरातल से। तो इस प्रक्रिया से बनने वाले जो पर्वत हैं, इस क्रिया से बनने वाले जो पर्वत हैं वो क्या कहलाते हैं, भ्रसौंथ पर्वत कहलाते हैं। और भ्रसौंथ पर्वत जो होते हैं, ऊपर उठे हुए खंड को, जो उत्खंड भाग है उसको हास्ट भी कहा जाता है, तथा तो नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश या ग्राबेन भी कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट बात जो है वो क्या है, यूरोप की राइन घाटी तथा वाल्सेस पर्वत, वो क्या है, इसी के उदाहरण है। देखो यहाँ पर जब भ्रसौंथ पर्वत बनता है तो सामान्य तौर पे क्या होता है, एक घाटी और पर्वत दोनों का निर्माण एक साथ होता है ना। इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उसकी स्थिति को देखिए, तथा इस प्रकार की कुछ भू आकृतियों के और उदाहरणों का पता लगाइए। तो आपने देखा यूरोप की जो राइन घाटी और वाल्सेस पर्वत है वो किसके एग्जाम्पल है, भ्रसौंथ पर्वत के। अरावली पर्वत श्रृंखला है, आल्पस पर्वत है जो आपका यूरोप का, या फिर आप बात करें हिमालय की तो ये आपके वलित पर्वत श्रृंखला का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं तीसरे ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में। तो ज्वालामुखी पर्वत जो है ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं,
अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है, नाम बहुत सुना होगा आपने, तथा तो जापान का फ्यूजियामा, इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। और पर्वत हमारे लिए ये क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? देखो, पर्वत के ऊपर हिमानी होती है। हिमानी आपको पता है क्या होती है? जमी हुई झील जो होती है, पानी के जो स्रोत हैं वो हैं। तो मैक्सिमम जो नदियां हैं उनका जो स्रोत है पानी का वो क्या है? वो आपका हिमानिया है ना, जो कहाँ स्थित होती है, इनको कौन धारण करता है? पर्वत धारण करता है। बहुत सारी औषधियों का कारण है, नदियों के बहने का कारण है। तो ये पर्वत हमारे लिए इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण है। ये जल संग्रहकार है ना, जल के संग्रहकर्ता भी ये बहुत बड़े हैं। तो ये हमारे लिए इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण है। पर्वत जल के संग्रहकार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है, देखो है ना। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी, घाटियां, वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग जैसे पर्वतों के प्रचलित खेल हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका एक ज्वालामुखी से जो निर्मित पर्वत हैं उनका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है। तो किनारों से जो पिघलती चट्टान है ये लावा कहलाती हैं, और ये धीरे धीरे क्या है, जम जाती हैं, और जमकर ये क्या कर देती हैं, एक पर्वत का निर्माण कर देती हैं। चलिए आगे देखें। अब बात करें पठार की, तो पठार और पर्वत में अंतर क्या है? देखो, आपका जो पर्वत है वो तो कैसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन पठार कैसा होगा? पठार आपका ऐसा, आपका ये जो भाग है ये आपका क्या होगा, ऊपर से समतल होगा, जबकि पर्वत का कैसा होता है, शंकु आकार होता है, देख सामान्य तौर पे। तो बाकी क्या है, ये ढलान वाला क्षेत्र है, तो इसमें ये ढलान वाला क्षेत्र है दोनों साइड में। तो इस तरीके से बाकी कोई अंतर नहीं है, लेकिन ऊपरी सतह जो होती है वो सपाट होती है ना। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको एक बार। पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है, यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से कई 1000 मीटर तक संभव है। अब आपको पता है कि जो आपका भारत के पास जो तिब्बत का पठार है, कौन सा आपका तिब्बत का पठार है, वो कितना ऊंचा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, और ये समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है ऊंचाई में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो देखो, आपका आपका हिमालय हो गया, जो आपका नवीनतम आपका क्या है, वलित पर्वत है। आपका जो प्राचीनतम वलित पर्वत है अरावली पर्वत श्रृंखला, वो भी आपके हिंदुस्तान में है। तिब्बत का पठार है वो भी आपके क्षेत्र के पास पड़ता है ना, जो भी विश्व का सबसे ऊंचा पठार है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का जो पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई क्या है, मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उसमें खनिजों की प्रचुरता होती है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके सामान्य तौर पे क्या होता है, पठारों में खनिजों की बहुत ज्यादा प्रचुरता होती है, तो यहाँ पर खनिजों की प्राप्ति बहुत आसानी से देखने को मिलती है ना। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में
छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, आपका जो पठारी भाग है, आपका पठारी भाग है कुछ इस तरीके का होगा, तो इसमें से जब पानी गिरेगा तो अब पत्थर इतनी आसानी से तो कटता नहीं है, तो ये क्या गिरेगा, जब ऊंचाई से गिरेगा तो ऐसे गिरता है, ऊंचाई से गिरता है, तो यहाँ पे क्या जलप्रपात बन जाते हैं, यहाँ क्या बन जाते हैं, जलप्रपात बन जाते हैं। जलप्रपात मतलब जल का ऊंचाई से गिरना, एक प्रकार का है ना, एक धारा के रूप में वो क्या है, जलप्रपात है। तो यहाँ पे बहुत सी नदियां क्या बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं पठारी क्षेत्र में। तो इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं, लावा पठार में काली मिट्टी प्रचुरता होती है। लावा पठार जो होता है, लावा का जो पठार होता है उसमें काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, क्योंकि उसमें लावा होता है, लावा ठंडा होने के बाद बनता है और इसी कारण वो बहुत उपजाऊ भी होती है। इसी कारण क्या होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स और तत्व देखने को मिलते हैं और वो हमारी जो पेड़ पौधों के लिए वो काफी उपजाऊ होती है और खेतों के लिए अच्छी होती है ना। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित भी करते हैं। अब बात करें मैदानों की, मैदानों की बात करें तो मैदान हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो हमारी जो मानव बस्तियां हैं वो मैदानों में ही सर्वाधिक पनपती हैं, क्योंकि वहां पे सभी प्रकार की सुविधाएं, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, वहाँ सभी कृषि जैसी सुविधाएं वहाँ पर मिल जाती हैं। तो इसीलिए हमारे लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो स्थान होता है वो मैदानी भाग होता है। तो चलिए मैदानी भाग के बारे में हम बात कर लेते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, वे सामान्यतः मध्य दूरी समतल तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। ध्यान रखिए, क्या है, जो आपका समुद्र मध्य समुद्री तल है या फिर कहें समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते, और वो ही क्या कहलाते हैं, आपके मैदान कहलाते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। उर्मिल या तरंगित होने का मतलब कुछ इस तरीके, ठीक है। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं, उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाड़ियों में निक्षेपित कर देती हैं, है ना। इस बात मैंने हमने पहले भी चर्चा की थी, इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का क्या होता है, निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। मैदान मनुष्यों को रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है और भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भारत में मैदानी भागों की बात करें तो भारत का जो गंगा का मैदानी भाग है वो देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप और लोगों के बारे में बात करें तो स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। आप पर्वतीय क्षेत्रों में रहेंगे तो क्या करेंगे, पर्वतीय वाली खेती करेंगे। आपके सामान्य बहुत ज्यादा वर्षा क्षेत्र में रहेंगे तो उस प्रकार की वनस्पतियां वो उगाएंगे। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार, जैसे जैसे स्थिति होती है वैसे वैसे ही जीवन यापन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ का जीवन थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में ये थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि वहाँ सभी चीज़ें बहुत सहजता से अवेलेबल हो जाती हैं। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसल उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है।
विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। अब देखो, जापान की बात करें तो हमारे यहाँ पे अगर मान लीजिए भूकंप आ गया तो बहुत ज़्यादा जान माल की नुकसान होने की संभावना बनी रहती है, लेकिन वही चीज़ अगर जापान में आ जाए तो जापान वाले उन चीज़ों के इतना प्राकृतिक आपदाएं इतनी ज़्यादा आती हैं, वहाँ भूकंप इतने ज़्यादा आते हैं कि वो उसके लिए तैयार हो गए हैं, और उनके जो घर हैं वो भी किस प्रकार के बने हैं, वो इस प्रकार के बने हुए हैं ताकि उनको भूकंप से कोई विशेष नुकसान ना हो। तो ये सब क्या है, आप रहन सहन जो है उन लोगों ने उनका ऐसा ही अनुकूल कर लिया है प्रकृति के, जिससे उनको कम से कम परेशानी हो। तो जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। अब देख लेते हैं एक छोटी सी चीज़ और, स्वच्छ भारत मिशन। अब स्वच्छ भारत मिशन के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। और इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है और इसको आप याद रखेंगे। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर होता है समाप्त। अब कर लेते हैं अभ्यास प्रश्नों की बात। तो अभ्यास प्रश्न की बात करें तो आपका पहला क्या है, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। तो प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं आपके, आपके पठार हो गया, पर्वत हो गए और आपके मैदान हो गए, ये मुख्य तौर पे आपके स्थल रूप हैं। पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है, तो आपका जो ऊपरी भाग है उसमें डिफरेंस आता है। जो पर्वती का जो होता है, पर्वतों का क्या होता है, वो आपका शंक्वाकार सामान्य तौर पे देखने को मिलता है, और आपका पठारी भाग जो होता है वो कैसा मिलता है, आपका समतल मिलता है। ठीक है, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, तो आपके पास इसके तीन प्रकार हैं। कौन कौन से तीन प्रकार हैं आपका, एक तो हो गया ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पर्वत हो गए उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा आपका वलित पर्वत हो गए, है ना, और तीसरा कौन सा हो गया, ब्रसोंत पर्वत हो गए, ब्रसोंत पर्वत हो गए। और इन तीनों के बारे में आप अंतर बहुत अच्छे से समझते होंगे। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है, तो मनुष्य देखो आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो क्या है, ये आपका जल संग्राहक है, ये आपका क्या है, जल संग्राहक है। यानी आप हिमानी को ये वहन कर रहा है, हिमानी एक्चुअल में क्या है, पर्वतों का ऊंचा जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी ठंडा होता है, तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ झीलें हैं वो सामान्य तौर पे जमी हुई मिलती हैं, जिनको हम हिमानी कहते हैं, और हिमानी बहुत सारी नदियों का स्रोत है, तो इसलिए ये जल संग्राहक का कार्य करता है। फिर पानी जो बार बार काट कर लेके आ रहा है जिन चट्टानों को, जिससे वो निक्षेपण कर मैदानों का निर्माण कर रहा है, वो कहाँ से आ रही हैं, वो भी आपके पर्वतों से आ रही हैं। बहुत सारी औषधियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं जो हमें पर्वतों से मिलती हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है, निक्षेपण क्रिया के द्वारा होता है, और वो आपको अभी हम बात कर चुके हैं। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें बहुत सहजता से अवेलेबल हो जाती हैं, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी गोइंग होता है, वहाँ पे हमें कृषि करने में बहुत सहजता होती है, तो ये सभी बहुत से ऐसे कारण हैं। तो नदियों द्वारा जो निर्मित मैदान होता है वो सघन जनसंख्या होते हैं, अब जहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी वहीं पर तो लोग रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे क्या हो जाती है, जनसंख्या सघन हो जाएगी, है ना।
पर्वतों में जनसंख्या कम होती है क्यों? क्योंकि वहां पर जो जीवन यापन का जो प्रक्रिया है वो काफी क्लिष्ट है, वो काफी कठोर होती है, तो इस वजह से वहां पर जनसंख्या कम होती है। फिर बात करते हैं पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं किस आधार पे? ऊंचाई के आधार पे? नहीं, ऊंचाई तो दोनों की हो सकती है और 600 मीटर से तो दोनों ऊंचे सामान्य तौर पे देखने को मिल जाते हैं। ढाल, ढाल तो दोनों की ढलान काफी होती है, ढाल की बात करें तो। लेकिन ऊंचाई की अभिमुखता जो है वो अलग अलग होती है, वो ऊपर से शंक्वाकार होते हैं पर्वत, तो आपके जो पठार हैं वो आप कैसे होते हैं, समतल होंगे। हिमानी कहाँ पाई जाती है? हिमानी पर्वतों पे पाई जाती है, बिल्कुल सही, मैदानों में तो नहीं पाई जाती है और ना ही पठारों पे सामान्य तौर पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे वैसे तो कुछ आंसर इसका पठारी भाग भी संभव है, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त आंसर जो होगा वो पर्वतों का होगा। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? तो इसको तो हम जानते हैं, केन्या में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, वो हमारे कहाँ है, भारत में स्थित है। यांगसे नदी कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में नहीं बहती, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं बहती, वो हमारे चीन में बहती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यूरोप की आपकी आल्पस पर्वत श्रृंखला है। एंडीज कहाँ की है? आपकी दक्षिण अमेरिका की है। और रॉकीज कहाँ है? आपकी उत्तरी अमेरिका की है ना। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो वो आपको मैदान कहा जाता है, मैदान कहते हैं। ठीक है, हिमालय एवं आल्पस ये किसके उदाहरण हैं? ये वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। ये कैसे हैं? वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। पठारी क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता होती है। कहाँ होती है? पठारी क्षेत्रों में। पर्वतों का एक क्रम है, पर्वत श्रृंखला जो है वो क्या है? पर्वतों का एक क्रम है। क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं, मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र जो होते हैं वो कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त उत्पादक क्षेत्र होते हैं। तो बच्चों इसी के साथ होता है आपका एक चैप्टर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।